The question given is a matrix A is equal to matrix of A square AB AC, AB B square BC, AC BC C square, and A square plus B square plus C square is equal to 1. Then we have to find the value of A square. So, hume given hai matrix A is equal to matrix of A square AB AC, AB B square BC, AC BC C square. अब हमें फाइंड करना ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास मैट्रिक्स ए स्क्वायर ए बी ए सी, ए बी बी स्क्वायर बी सी, ए सी बी सी सी स्क्वायर इन मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर ए बी ए सी, ए बी बी स्क्वायर बी सी, ए सी बी सी सी स्क्वायर. अब यहाँ पे हम इसका रोज लेंगे और इसका कॉलम लेंगे फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ ए टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर. यहाँ पर आएगा हमारे पास ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब प्लस ए बी सी स्क्वायर, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा ए क्यूब सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए सी क्यूब. यहाँ पे सेकेंड रो में हमें मिलेगा ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब प्लस ए बी सी स्क्वायर. यहाँ पर आएगा हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एंड यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर बी सी प्लस बी क्यूब सी प्लस बी सी क्यूब. और यहाँ पे थर्ड रो में हमारे पास आएगा ए क्यूब सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए सी क्यूब. यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बी सी प्लस बी क्यूब सी प्लस बी सी क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी टू द पावर 4. ये हमारा मैट्रिक्स ए स्क्वायर हो गया. तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ, यहाँ से अगर हमने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा. यहाँ पर अगर हमने ए बी को कॉमन लिया तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में अगर हमने ए सी कॉमन लिया तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. सिमिलरली अगर सेकेंड कॉलम में हमने ए बी कॉमन लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. यहाँ पे अगर बी सी बी स्क्वायर कॉमन लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में अगर हमने बी सी को कॉमन लिया तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. यहाँ पर अगर हम ए सी को कॉमन लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. यहाँ पर अगर हम बी सी को कॉमन लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड इधर हम सी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. और हमें ये भी गिवन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. हमें गिवन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो अगर यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ ए स्क्वायर ए बी ए सी, ए बी बी स्क्वायर बी सी, ए सी बी सी सी स्क्वायर. अब अगर हम देखें तो ये हमारा मैट्रिक्स ए है, दैट मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए. सो दिस इज आर आंसर. अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर.